Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वेंकी मामा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वेंकी मामा और फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2 मूवी के बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन, किस मूवी ने कितना ज़्यादा कलेक्शन किया, कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस में धमाल करने में कामयाब रही है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। वेंकी मामा मूवी के बारे में बात करूँ तो पहले आपको बता दूँ कि मूवी ने अपने 16th डे में 40 लाख का कलेक्शन किया। टोटल कलेक्शन हो चुका है 29 करोड़ 24 लाख। शेयर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। मूवी ने 1 करोड़ 64 लाख का प्रॉफिट कर लिया है और वर्ल्ड वाइड में अराउंड 72 करोड़ 50 लाख का ग्रॉस कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब आप मुझे एक चीज़ लिख के बताएं कि क्या ये मूवी 100 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्ड वाइड में क्रॉस कर पाएगी या नहीं। सेकंड, 17th डे यानी आज का दिन, आज है संडे, मूवी की रिपोर्ट्स बहुत अच्छी है। मूवी के रिपोर्ट्स जो कह रही हैं वो लगभग ये है कि 50 करोड़ लाख के आसपास का मूवी का शेयर कलेक्शन आज के दिन रहने वाला है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अगर टोटल कलेक्शन की बात करूँ तो 29 करोड़ 74 लाख और वर्ल्ड वाइड में अराउंड 73 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन। मूवी को एवरेज रिव्यूज़ मिले थे लेकिन कलेक्शन जो मूवी ने किया है वो काबिले तारीफ है, बट सुपर हिट मूवी का कलेक्शन है। फन एंड फ्रस्ट्रेशन, जिसमें वेंकटेश ही थे और ये भी एक फैमिली एंटरटेनमेंट कॉमेडी वाली मूवी थी। वेंकटेश की दोनों ही मूवीज़ बॉक्स ऑफिस में काफ़ी अच्छा बनी है, काफ़ी अच्छा साबित रही है। 17th डे में फन एंड फ्रस्ट्रेशन मूवी ने 70 लाख का कलेक्शन किया था। टोटल कलेक्शन मूवी का हुआ था 59 करोड़ का शेयर और वर्ल्ड वाइड में अराउंड 115 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन। यानी कि साफ दिखाई दे रहा है कि फन एंड फ्रस्ट्रेशन मूवी जो है बॉक्स ऑफिस में काफ़ी आगे निकल चुकी है वेंकी मामा से। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो फन एंड फ्रस्ट्रेशन मूवी को काफ़ी ज़्यादा हॉलीडेज मिले थे, जिसका कारण था कि ये मूवी ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया था। हालांकि इसको रिव्यूज़ भी उतने ही पॉजिटिव मिले थे। वैसे आपको क्या कहना है इन दोनों ही मूवीज़ के बारे में, चाहे वो वेंकी मामा हो चाहे फन एंड फ्रस्ट्रेशन मूवी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।